एक आदमी जो औरत के लिबास में घूम रहा है, किसी ने देखा है उसे? औरतों और बच्चों को तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, पर आदमियों को अपनी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना होता है। हुआ ये होगा कि होगा कोई काम चोर जो काम नहीं करना चाहता है, अरे इसीलिए घूम रहा होगा औरत के कपड़े पहनकर। अरे हंसने की बात नहीं है, वाकई में ऐसा हुआ था। मैंने खुद देखा था कि जनाने कपड़ों की दुकान में घुसा था आदमी और निकली औरत। उसके बाद उस दुकानदार ने कपड़े चोरी की शिकायत की कोतवाली में। आप जानते हो ने? वो कौन है, उसका नाम, पता कहाँ से आया, कुछ भी नहीं बेटा। वो क्या है कि इतने लोग यहाँ आने लगे हैं परवाज में कि उनकी जानकारी का जरा भी इल्म नहीं है मुझे। किसी को कुछ भी पता है उस बहरूपिये के बारे में? है कोई जो उसकी पहचान बता सकते है? हमने सुना है कि काबुल शाही का तख्त पलट हो गया, अब काबुल शाही पर 40 चोरों का राज है। हमने तो ये भी सुना है कि नए सुल्तान को मारने आए थे लेकिन उन्हें खुद ही फरार होना पड़ा। क्या लफाजी झाड़े जा रहे हैं, क्या ये बात आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? मैं सुनी सुनाई बातें बेमानी होती हैं, उन्हें सच नहीं माना जा सकता। आंखों से जो देखो, कानों से जो सुनो, और अगर वो दलील दे तब उसे सच मानो। अगर ऐसा कुछ है भी तब भी हमें पूरा यकीन है कि सुल्तान सद्दाम खामोश रहने वालों में से नहीं होना, हो वो वापसी जरूर करेंगे। और सच पूछो तो हम सुल्तान सद्दाम के कायल हैं, बेहद मुतासर हैं उनसे। क्या आला तरीन शख्सियत है वो, जो भी करते हैं उनकी हर अदा सबसे जुदा। सुल्तान सद्दाम का हर अंदाज बेहद मोतबर और उम्दा तरीन होता है। सुल्तान सद्दाम, सद्दाम ही सलमा था, ये कैसा सुल्तान है? हमने सुना है शहजादी मरियम पहले सुल्तान की कैद में थी, फिर फरार हो गई। उन्हें पकड़ने के लिए सुल्तान ने 1,000 दिनार का इनाम भी रखा था, आज तक नहीं मिली। अजी शहजादी मिलना तो छोड़िए, अब तो आपके नए सुल्तान भी गुमशुदा हैं। इसे कहते हैं अधूरा इल्म, इल्म ना होने से भी बदतर होता है। सुल्तान सद्दाम शहजादी को हर जगह तलाश कर रहे हैं। हाँ शहजादी गायब जरूर हुई है लेकिन सुल्तान सद्दाम उन्हें ढूंढ ही निकालेंगे। तुम्हें ढूंढने के लिए दर दर भटकाए पर आज तुम हमें मिल ही गए। दुनिया को ये जो अपनी हकीकत बताती है ये वो नहीं, ये वर्जीना नहीं। खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धुलने चाहिए, याद है ना? हाथ धोने का साजो सामान लाया जाए। कितने बेरुखी से बात कर रहे हैं, हमसे कोई ऐसे लहजे में बात करे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें किसी से बात नहीं करनी है, तक लिया। क्या हासिल करना चाहती हैं आप अपनी जिंदगी से? अपना हक। एक गद्दार ने हमसे हमारा वो सब छीन लिया जिस पर हमारा हक था, हमें हमारा वो सब कुछ वापस चाहिए। इसका मतलब हमारी मर्जी ना पाई काबुल की शहजादी मरियम है। उनकी नेक दिली और खूबसूरती के किस्से तो हम सबने सुने हैं, बस कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं। मरियम से मर्जीना का उनका सफर कैसा रहा होगा? दायरा, इतना भी कुछ गलत नहीं हुआ है। और हमें भी क्या आपको ये रोज बताना पड़ेगा कि आप इन्हें कनीज ना बुलाएं। इनके वालदैन ने इतने खूबसूरत नाम रखे हैं इनके, इनकी पहचान से इन्हें महरूम ना करें। बानो, जोया, आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोम सा दिल है हमारी दाएं चौका।
ये तो गलत है दाईजा। खाने जैसी बुनियादी जरूरत तो सबको मुहैया होनी चाहिए। हमारे काबुल में लोग भूखे सो रहे हैं और हमें इस बात का इल्म तक नहीं। क्या हुआ मरियम? अबूजान आपको पता है हमारे काबुल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को नान तक नहीं है। सोच सकते हैं क्या आप? ये हम तो चौंक गए थे ये सुन के। हमसे रहने गया, हमने जाके कह दिया शाही खजांची से कि आज के बाद काबुल के हर गरीब के घर नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं शहजादी, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप याद तो बहुत आएंगी हमें। जिंदगी में पहली बार ताईजा, पहली बार उस परवाज में घूमेंगे जिसके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। सुना है शहजादी, पूरा का पूरा परवाज बर्फीली वादियों से घिरा हुआ है और वहां की शाही सड़क पे कतारों से झरने, एक से एक खूबसूरत, एक से एक दिलचस्प, और झरनों के तालाब में ना हर रंग की मछली है। बस 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 ताईजा, आप ये सब कह के हमारी बेसब्री और बढ़ा रही है। लेकिन सच में अब तो हमसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा वहां जाने का। माफ कीजिएगा शहजादी, आपका मामूली गली जाना मुनासिब नहीं होगा। ऐसा क्यों दाईजा? दोनों जगह कुदरत का नूर है, दोनों जगह दिन भी होता है और रात भी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि शाही सड़क का सूरज कोई शाही हो और मामूली गली का कोई मामूली सूरज। जब ऊपर वाला दो जगहों में फर्क नहीं करता तो फिर हम क्यों करें? हम जाएंगे। हमें इस बात का फहम है कि काबुल शाही पर कोई आफत आने वाली है। ये जो भी आफत है हम आपके साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। आपकी जिम्मेदारी हमसे कई ज्यादा बड़ी है। केवल काबुल शाही नहीं, पूरे काबुल की जिम्मेदारी अब आप पर है। आपके अब्बू हमारे सुल्तान इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन शहजादी वो मरे नहीं, वो जिंदा है। वो जिंदा है आपके अंदर, काबुल की आवाम के अंदर जिंदा है, उनकी उम्मीदों के अंदर जिंदा है। किसी भी हालत में शहजादी आपको आपके अंदर के सुल्तान की हिफाजत करनी होगी। शहजादी होने की जिम्मेदारी निभानी होगी आपको। आपकी जिंदगी सिर्फ आप ही की नहीं है, पूरे आवाम की है, काबुल की है। आपको अपनी आवाम की आजादी के लिए लड़ना होगा। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है शहजादी, हथियार उठाने का है। अपने वालिद के कत्ल का बदला आप ही को लेना होगा। हमें कसम है हमारे अब्बू की, काबुल के सच्चे सुल्तान शाह ज़ुहैर की, काबुल की इस मिट्टी की और काबुल की आवाम की, कि हम आपसे ये तख्त छीन के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें आपकी जान क्यों ना लेनी पड़े। मुझे इस घर से मत निकालिए। सुन बुढ़िया, जब तक किराए की रकम हथेली पे नहीं होगी तू इस घर में नहीं रह सकती। खाला आप ठीक तो हैं? ये कैसी बदतमीजी है, अकेली मोहतरमा ना सही, कम से कम इनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए। हम आपको कहते हैं आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते। आप पोती कौन है हमें हुक्म देने वाली? कहीं की शहजादी है क्या?
सद्दाम हमारे सामने खड़ा है, इसी पल उसे मारेंगे। क्या कहा था उसने कि हम में हमारी अब्बू की समझदारी और सूझबूझ है, उसे अब्बू की ताकत दिखानी ही होगी। हम सब यहीं पे सोते हैं, पर फिर भी थोड़ी जगह बच जाती है और वो जगह अब आपकी है। मुबारक हो। और ये हमारा नरम नरम बिस्तर, इस पर लेटते ही आपको नींद आ जाएगी। कितनी तकलीफ में जीते हैं बच्चे यहाँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक शिकन नहीं। सद्दाम से जिस दिन हम काबुल को हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम किसी भी इंसान को यूं मुफलसी में जीने नहीं देंगे। गरम गरम लजीज खाना तैयार है। अरे नहीं नहीं नहीं, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धुलने चाहिए, याद है ना? हाथ धोने का साजो सामान लाया जाए। हम तो भूल ही गए थे कि यह हमारा महल नहीं है। सामान खुद आपके पास नहीं आएगा, आपको साजो सामान के पास जाना पड़ेगा। चलो वैसे हमने अभी हाथ धोए थे, इतना लजीज खाना है, हमसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। बच्चों, आप दोनों को उस दिन जो खटखटाने की आवाज आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी? वो आवाज इमाद निकाल रहे थे, वो हमें इशारा कर रहे थे ताकि हम उनकी मदद के लिए आ सके। ये आवाज तो हकीम मिर्वाइस के घर से आ रही है। हकीम मिर्वाइस? शुक्रिया आपा, आपने सही वक्त पर आके हमें बचा लिया। हाँ आपा, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। ये सब इमाद की समझदारी की वजह से हुआ है। इमाद ने हमें इशारा किया तभी हम समझ पाए, और नफी और पया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। शुक्रिया। बाबा कहते थे कि हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, अगर वो मकसद नहीं है तो फिर हर इंसान बिना पंख वाले चिड़ियों के जैसे होता है, तो जाकर भी नहीं उड़ सकते। तो बोलिए आपा, कैसी उड़ान बनना चाहती हैं आप? क्या हासिल करना चाहती हैं आप अपनी जिंदगी से? अपना हक। एक गद्दार ने हमसे हमारा वो सब छीन लिया जिस पर हमारा हक था, हमें हमारा वो सब कुछ वापस चाहिए। रुको, तुम्हारे हाथ में खंजर क्या कर रहा है? शहजादी, शहजादी,
काबुल की पूरी आवाम की जिम्मेदारी हमारी है। बारा गाजी, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी तकदीर हमें परवाज लेकर आई है। आप अपने वफादारों को यही बुला लीजिए, सत्ताम से जंग की तैयारी हम परवाज से ही करेंगे। सबसे पहले तलवार कैसे पकड़नी है ये सीखना है। अब से आपका एक ही ख्वाब होना चाहिए, काबुल। एक ही मोहब्बत होनी चाहिए, काबुल। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, काबुल। और कुछ मत सोचना। मैं क्या करूंगी? खाला, आप ठीक तो हैं? कौन था वो चोर, हमें बताइए, हम अभी कोतवाल से कहते हैं उसे पकड़ने के लिए। अगर चोर होता तो फिर भी मैं हादसा समझ के जी लेती, पर ये चोर नहीं, मेरा बेटा है। मेरा बेटा जुए में सारी दिनारी हार चुका। आप इन्हें रख लीजिए, ये तो बहुत ही नायाब है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। खाला, हमें इनकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको है, और अगर आपके मुश्किल वक्त में हम आपकी जरा सी भी मदद कर पाए तो मैं बहुत खुशी होगी। ऊपर वाला आपके हर ख्वाब को पूरा करे। बच्चों, हमें माफ करना, हमारे पास अभी इतना ही है, लेकिन आप इसे मिल बांट के खाइएगा, और वैसे भी मिल बांट के खाने से तो प्यार बढ़ता है और सेहत भी। ये लो। ये राशन आप सभी का है, जिस पर आप सभी का हक है, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहले ये खाना सब में बराबरी में बांटा जाएगा, लेकिन सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों का हिस्सा दिया जाएगा। अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। शुक्रिया।